सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आप हमें यकीन दिलाते हैं कि आप हमारी दुख्तर को जिंदगी भर खुश रखेंगे, तो हम खामोश रहेंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। सबसे पहले रेलवे का मामला हल किया जाएगा पाशा। हम रेलवे के तकनीकी काम की जिम्मेदारी जर्मनों को सौंपेंगे। पारवोस, जब तुम्हारे सामने ये तहरीर पढ़े तो उसकी मोहर वाली अंगूठी को देखकर इताअत करना। फिर उसे इस महल में वापस आएंगी, आप चाहें या ना चाहें। इस इताअत को तोड़ने की जरूरत है ताकि मसीह बिरादरी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाए। रुक जाओ। शहीदों का खून शामिल है इस परचम में। किस बदबख्त ने इसकी बेहुरमती करने की कोशिश की है? कौन था वो? उन्होंने अब्दुल हमीद के सिपाही को यरगमाल बनाया और पीछे हट गए। तुर्कों की मेहमान नवाजी जर्मनों के लिए बहुत बड़ी तबाही साबित होगी। ये शख्स कौन है? उसने आखिर ये गुस्ताखी क्यों की? हमारा और जर्मन शहंशाह का इत्तेहाद तोड़ने के लिए किसने हुक्म दिया उसे? महल ले जा रहे हैं आपको, वहां आपका कमरा तैयार है। क्या कहा, महल? उस्मान, फरमाइए पाशा। क्या सूरत हाल है? पाशा, अभी तक खामोशी है। उनका कहना है कि शहंशाह के आने तक बाहर नहीं आएंगे। उस्मान, अपनी बंदूक मेरे हवाले करो और जाकर कहो कि हम बात करना चाहते हैं। पाशा हजरात आए हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सिपाहियों, हथियार नीचे रख दो। इससे पहले कि सूरत हाल मजीद बिगड़ जाए, हथियार डाल दो और हमारे सिपाही को फौरन रिहा कर दो। अगर तुमने हथियार डाल दिए तो सिर्फ उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने परचम की बेहुरमती की, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। हम हथियार नहीं डालेंगे, हम सिर्फ अपने शहंशाह का हुक्म मानते हैं और उनके आने से पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तबीब जख्मी सिपाही के इलाज के लिए आए हैं, वो हाथ ऊपर करके आ सकता है।
तलाशी लो। चलो। तबीब तुम्हारा जख्म देखेगा। पहले मैं यरगमाली को देखूंगा, यही हुक्म है। क्या पैगाम है? सुल्तान से कहना इन्होंने ये मुआहदा तोड़ने के लिए किया है। नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। शहजादे, ये किसके घर लेकर आए हैं आप मुझे? हमारी पप्पी का घर है, आप यहां कुछ वक्त आराम से रह सकती हैं। शहजादे फाइमे, पप्पी हैं घर पर? जी हैं, हम दोनों महल से आए हैं अभी। बाहर कौन है फाइमे? अब्दुल कादिर, फिरोजे। हम अस्पताल से आ रहे हैं, हमने फिरोजे से कहा है कि कुछ वक्त यहां रह सकती हैं। अगर आपको ये मुनासिब लगता है तो क्यों नहीं। क्या बेदार सुल्तान को इस सूरत हाल का इल्म है? मालूम है आपकी वालिदा और हमारे मिजाज कभी नहीं मिलते। अगर आप उनकी मुखालिफत में कुछ कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे। वक्त आने पर बता देंगे वालिदा को। तो आइए। क्या सूरत हाल है मेरे सुल्तान? जर्मन सिपाहियों का कहना है कि अगर उनसे वादा किया जाए कि उनके साथी को सजा नहीं दी जाएगी तो हथियार डाल देंगे। मुराद अफंदी को भी छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। यह हरगिज नहीं हो सकता। तारीख में कभी भी हमने परचम की बेहरमती करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा। मुराद अफंदी के बारे में बताइए हमें पाशा। मुराद अफंदी ठीक है मेरे सुल्तान। जिस सिपाही ने झंडा गिराने की कोशिश की उसका मकसद शहंशाह को यहां आने से रोकना था। इस पर अफसोस भी है उसे। अफसोस से कुछ हासिल नहीं, हाथ काट देंगे हम उसके। जो भी हमारे परचम की बेहरमती करने की कोशिश करेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। मेरे सुल्तान, जर्मन सफीर आपसे मुलाकात की मुंतजिर है। भेजिए उन्हें। शहंशाह विलहेम का फैसला हतमी है। उन्होंने कहा है कि वो अपने सिपाहियों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। क्या वो परचम की बेहरमती करने वाले को अभी भी अपनी फौज का हिस्सा समझते हैं? बताइए हमें। क्या हुआ, खामोश क्यों है? ये सवाल
आपकी सियासी बसीरत का सबूत है। अगर मैं इसके जवाब में हां कहता हूं तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे शहंशाह ने ही इस वाक्य का हुक्म दिया था। अगर मैंने इनकार किया तो इस सूरत में मैं अपने सिपाही से लातालुक होकर आपका तरफदार हो जाऊंगा। काफी अकलमंद हैं आप, समझदारी से काम लीजिए। बाहमी ताल्लुकात को खराब करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं। शहंशाह को चाहिए कि अपनी जिद छोड़ दें और पाया तख्त में दाखिल हो जाएं, और फिर मुकदमे में साबित हो जाएगा कि आपके सिपाही को परचम की बेहरमती का हुक्म किसने दिया। अगर शहंशाह विलहम पाया तख्त में दाखिल होना अपने लिए गैर मुनासिब समझते हैं तो फिर जियारत के लिए वो यरूशलम चले जाएंगे। वहां जाने के लिए शहंशाह को हमारे ही समंदर से गुजरना होगा। अकल इस्तेमाल कीजिए। उस सिपाही का असल मकसद परचम की बेहरमती नहीं, ताल्लुकात को खराब करना था। दुश्मन हमारी और आपकी रियासतों की दोस्ती नहीं चाहता। मैं क्या कर सकता हूं सुल्तान, मुझे जो कहा गया मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपकी नेक नियति आया है हम पर, फौरी तौर पर आप तहकीकाती दस्तावेजात तैयार करवाएं। ये सिपाही कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, मिलकर असल वजह मालूम करते हैं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान, जैसा आपका हुक्म। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अच्छा लगता है। मेरे जाने से आप खुश नहीं थी तो मैंने सोचा कि आपको देख लूं। ये मीठा लेकर आया हूं आपके लिए। शकरपारे पसंद है आपको? जी बिल्कुल, लेकिन जहमत की जरूरत नहीं। ठीक है, जब मिजाज बेहतर हो जाए तो चख लीजिएगा। मुझे इजाजत है। आपकी वालिदा का परेशान होना दुरुस्त है, मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगा। नहीं, झूठ है ये बिल्कुल। कमालुद्दीन, हमारे लिए इस दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बनने के लिए आपका साथ ही काफी है। मैं आपके शाना बशाना खड़े होने के काबिल नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके काबिल हूं, खास तौर पर जो पिछले दिनों हुआ उसके बाद। वो बस एक बुरा वक्त था। नहीं, हरगिज नहीं, ये सब मेरी गलती है। शायद यही मुनासिब होगा कि मैं अपने फराइज यहां से कहीं दूर जाकर निभाऊं। नहीं कमालुद्दीन, हरगिज नहीं, आइंदा ऐसी बात कभी मत कीजिएगा आप। ये सब वालिदा की वजह से कर रहे हैं ना। मेरे ख्याल से आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए। हम सिर्फ दिल की आवाज सुनना पसंद करते हैं, और हमारा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। हमें कोई परवाह नहीं है आपकी गिरफ्तारी की या हवालात में जाने की।
यकीन कीजिए, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। इनमें से कोई भी चीज हमारी मोहब्बत को मुतासर नहीं कर सकती। हम आपसे मोहब्बत करते हैं कमालुद्दीन, बेहद बेहद मोहब्बत करते हैं आपसे। बाबा आ रहे हैं आपके। बाबा। शहजादी। बाबा, उन्होंने मुराद अफंदी को नहीं छोड़ा क्या? तहसीन पाशा, और मुझे लगता था कि वहां जाने से हमारा कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन लेकिन क्या लगता है, हमें इस मामले का कोई और हल निकालना होगा। मैं जाकर मुराद अफंदी को लेकर आऊंगा और जो जरूरी हुआ करूंगा। नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं हुए आप, इस हालत में कैसे जाएंगे? मेरी फिक्र मत करें शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। चलिए बाबा। शहजादी, शहजादी ठीक कह रही हैं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। तुम जख्मी हो, अपनी जान खतरे में डाल दोगे तुम। मेरी जान? मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा बाबा, मौत मेरे लिए जरिया निजात होगी, आफत नहीं। इस आदमी को मार डालो। तुम इसी के मुस्तहिक थे, परचम पर हमला क्यों किया था तुमने? खुशी हुई तुम्हारे दोस्त तुम्हारी तरह नहीं सोचते। मुझे तो ये जर्मन फौज का भी खतार लगता है। बदसात, बैठ जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। बताइए पाशा। मेरे सुल्तान, वो हथियार डालने पर रजामंद नहीं। मुराद अफंदी को क्या बगैर किसी नुकसान के वहां से निकाल सकते हैं हम? बहुत मुश्किल है। मैं ये कर सकता हूं सुल्तान मौसम, मुराद अफंदी को कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अकेले दाखिल होना पड़ेगा। वहां गए तो मार दिए जाओगे या फिर यरगमाल बना लिए जाओगे। फिक्र मत कीजिए, मैं इस तरफ से दाखिल होऊंगा। दरवाजे पर सिपाही मेरी हिफाजत करेंगे, समझ गए उस्मान? बिल्कुल, लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा तो हम एक फर्जी कार्रवाई करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा। इस तरह मैं आसानी से मुराद अफंदी तक पहुंच जाऊंगा और यह हम दोनों पर मुनासिर है। इतना भरोसा है खुद पर फर्जंद? नहीं मेरे सुल्तान, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। तो फिर जाओ, मुराद अफंदी को रिहा करवाओ। परचम की बेहरमती करने वाले को मत भूलना। उससे यह मालूम करना जरूरी है कि उसने ये गुस्ताखी किसके कहने पर की थी। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह। आप यहां कुछ देर आराम कर लीजिए, किसी चीज की जरूरत हो तो फहीमे को बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हम ये अपने भतीजे अब्दुल कादिर के लिए कर रहे हैं।
आपके लिए नहीं। आपके इस एहसान को नहीं भूलेंगे हम। हमें उम्मीद है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे अब्दुल कादिर। आपकी वालिदा इन्हें पसंद नहीं करती और उनके पास इसकी माकूल वजह भी है। फिर उसे अच्छी लड़की है। लेकिन आपकी वालिदा ऐसा नहीं सोचती। बिदार सुल्तान अगर किसी को नापसंद करती हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें कायल करना कितना मुश्किल है। हमारी कोशिश के बावजूद हमारे दरमियान दुश्मनी खत्म नहीं हो सकी। फिरोजे को वो कभी कबूल नहीं करेंगी। इस लड़की के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। फिरोजे से मिलने की इजाजत लेने के लिए नहीं जा रहे वालिदा से। मौलिक की तजवीज करता दवाएं लेने जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बिदार सुल्तान को मालूम नहीं होगा कि वो यहां है। परेशान मत हो, सारी जिम्मेदारी हमारी है। मेरी सुल्ताना, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शहजादे का ताकुब किया था। नतीजा? हमारे शहजादे पहले अस्पताल गए, उसके बाद फिरोजे को लेकर वहां से कहीं और चले गए। फिरोजे इस वक्त कहाँ है? फिरोजे महमूद पाशा के घर। महमूद पाशा के घर है वो? जी मेरी सुल्ताना। जा सकते हैं आप। नेहा सुल्तान, तो इसमें भी आप शामिल हैं। हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी की है आपने। मेरे सुल्तान, मैंने जर्मन सफीर से बात की है, उन्होंने सिपाहियों से तहकीकात की है। क्या मालूम हुआ? उनका कहना है कि दस्ते में दो कैथोलिक सिपाही भी मौजूद हैं। उन सिपाहियों में से कोई एक है और विलहम एक प्रोटेस्टेंट है। उसकी फौज ज्यादातर प्रोटेस्टेंट फौजियों पर मुश्तमिल है, लेकिन दो कैथोलिक फौजी भी उसके जाती दस्ते में शामिल हैं। मेरे सुल्तान, क्या उस सिपाही ने कैथोलिक होने की वजह से ऐसा किया? नहीं, शायद उसने अपने मजहबी अकायद की वजह से ऐसा किया। तो उसकी मोहर वाली अंगूठी को देखकर इताअत करना। सोचिए कि कौन नहीं चाहता कि हमारे जर्मनों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। फ्रांसीसी, अतालवी, रूसी, बरतानवी, ये सब जानते हैं कि अगर हमारा इत्तेहाद हो गया तो इन सब के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। काइजर विलहम ये देखने से कासिर है। हमें इस बहरान से निकलना है पाशा। कैसे मेरे सुल्तान? उस्मान पाशा, उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू करें, उसके बाद कैथोलिक फौजियों से मालूमात हासिल की जाएंगी। ये जानना बहुत जरूरी है पाशा के साजिश के पीछे कौन है। मेरे सुल्तान, क्या वो दोनों सिपाही मुलविस हैं? हो सकता है। सुल्तान, अगर हम मामला तय कर लें तो जर्मन शहंशाह से बात की जा सकती है। पाशा, हम किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ सकते जो परचम की बेहरमती करे। हम इस मसले को सिफारती तौर पर हल करेंगे। नायमे, कुछ बुरा हुआ है क्या? हाँ खदीजा, कुछ बहुत बुरा हुआ है। कमालुद्दीन। क्या हुआ कमालुद्दीन पाशा को? उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक जिम्मेदारी ली है। हमें डर है उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। कैसी जिम्मेदारी नायमे, बताएं हमें। जहां जर्मन फौजी मुकीम है, उन्होंने मुराद अफंदी को कैद कर लिया है। कमालुद्दीन ने उन्हीं को बचाने की जिम्मेदारी ली है। सहतियाब नहीं हुए हैं वो अभी। उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। कुछ नहीं होगा उन्हें। हमें बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं खदीजा, और हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हमें बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कैसे रहेंगे हम? सिपाहियों का एक दस्ता पीछे से दाखिल होगा। उस्मान, इस दस्ते के सरबराह तुम होगे। जैसे आपको हुक्म पाशा। जब तक उस्मान सिपाहियों के साथ दाखिल नहीं होता कोई कुछ नहीं करेगा। हमारा एक सिपाही उनकी कैद में है, उसे हर हाल में हमें जिंदा बचाना है, मोहतात रहना होगा। कमालुद्दीन पाशा तुम। सिपाहियों, कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। तो पर करो। ठीक है, हथियार फेंको। ठीक है, फेंक रहा हूं, फेंक रहा हूं। पुरसुकून हो जाओ, मैं हथियार नीचे रख रहा हूं। क्या हो रहा है ये? बाहर से आवाज आई है। या अल्लाह, हमारे सिपाहियों की मदद फरमा और मुराद की भी। तैयार रहना, जगह संभालो जल्दी। क्या करना है तुम जानते हो। होशियार रहो। पिस्तौल नीचे करो अपनी। फौरन अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। बंदूकें नीचे करो अपनी। खबरदार, अपने हथियार फेंक दो। बंदूकें नीचे करो अपनी। हम अपनी बंदूकें नीचे नहीं करेंगे, तुम करोगे। कोई होशियारी मत करना। जहां तक मैं देख सकता हूं तुम्हारे पास हथियार एक और निशाने दो हैं। या तो मुराद अफंदी को मारोगे या मुझे, और उसके बाद हमारे सिपाही तुम्हें मार देंगे। मैं तुम दोनों को एक ही पिस्तौल से मार सकता हूं। क्या वाकई? चलो तुम्हारी महारत देखते हैं, चलाओ गोली। पाशा ऐसा मत करें। पिस्तौल नीचे करो। चलाओ, नीचे करो इसे। चलाओ, नहीं पाशा। वालिदा, वालिदा। नाइमे, क्या हुआ है दुख्तर? जर्मन फौजियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में कमालुद्दीन ने भी हिस्सा लिया है। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है नाइमे? इसमें जान का खतरा है और वो सहतियाब नहीं हुए हैं। नाइमे, कमालुद्दीन पाशा एक बहादुर सिपाही हैं और तजुर्बेकार भी हैं। हमें यकीन है कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो वो इसमें कामयाब भी होंगे। कमालुद्दीन के उस जगह जाने पर इस कदर लातालुक कैसे हो सकती हैं आप?
ऐसी बात नहीं है नाइमे, आप इस मामले की वजह से ज्यादा ही घबरा गई हैं। लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं वालिदा। देखिए नाइमे, हमारी प्यारी दुख्तर, हमें इस बात का डर है कि कमालुद्दीन पाशा आपको जिंदगी भर खुश नहीं रख पाएंगे। हम कमालुद्दीन के दिए गए हर दुख के लिए तैयार हैं वालिदा। हम सिर्फ खुश रहने के लिए उनसे शादी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं हम, और उम्र भर उनके साथ रह के मर जाना चाहते हैं। हम उनकी तरफ से मिलने वाली किसी भी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो आपको जो पूछना है कमालुद्दीन से पूछिए, उनकी आंखों में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो भी आपके लिए यही एहसास रखते हैं। शुक्रिया पाशा। क्या आप ठीक हैं पाशा? जी मैं ठीक हूं। तबीब साहब इनका जख्म देखिए। फिक्र मत कीजिए, पुराने जख्म पे चोट लगी है और कुछ भी नहीं। आप रो रही हैं? नहीं रो नहीं रही। आपने सोचा मैं मर गया? ऐसा नहीं है, थोड़ी परेशान हो गई थी मैं। फिक्र ना करें, जब तक आप इकरारे मोहब्बत नहीं कर लेती नहीं मरूंगा। फिर तो तवील अरसे जिएंगे आप। तमाम जर्मन फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आप इतने खुश हैं, उन्होंने हमें शिकस्त दे दी। ये तो खेल की शुरुआत है व्लादिमीर, जल्द खत्म नहीं होगा। आखिर आपका मंसूबा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो। जी मेरे सुल्तान, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने रियासत को मुश्किल में डाल दिया। अगर तुम इस परचम की बेहरमती करने से न रोकते तो तुम हमारा गजब देखते मुरादाफंदी। मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि जर्मन शहंशाह के आने से पहले आपको मेरी वजह से बहुत सी परेशानियों से निमटना पड़ रहा है। जरा सोचो मुरादाफंदी, अगर हमारा कोई दुश्मन ना होता तो क्या होता? मैं समझा नहीं सुल्तान। हम अपने तमाम दुश्मनों के बारे में बात कर रहे हैं, ये ना होते तो क्या होता? दुनिया में बहुत से जालिम हैं, क्या यह बेहतर होता कि जुल्म करने वाले हमारे दोस्तों में से होते? ये जालिम हमारे खिलाफ हैं क्योंकि हम हक के अलम बरदार हैं और जालिम को जुल्म करने से रोकते हैं। दुरुस्त कहा आपने मेरे सुल्तान। हमारे पास एक मुहिम है, या इसमें फतह मिलेगी या फिर नाकामी। क्या वो तमाम जर्मन सिपाही हवालात में हैं? जी मेरे सुल्तान। परचम की बेहरमती करने वाले के अलावा बाकी सिपाहियों का रवैया कैसा था? वो सब हालात से बेचैन थे, उन्हें मालूम था उनके साथी ने जो किया गलत किया। लेकिन मेरे सुल्तान, ये फौजी नज़्म व ज़ब्त का तकाजा है कि अगर आपका साथी कोई गलती करे तो भी उसकी हिफाजत करें। इसका मतलब है कि दूसरे फौजियों को रिहा किया जा सकता है। तुम जानते हो कि वो गुस्ताखी करने वाला कैथोलिक है,
मुझे नहीं मालूम मेरे सुल्तान। उसने अपने मजहबी अकायद की वजह से ऐसा किया है, इसलिए वो उनसे अलग है। क्या ये एक ही कैथोलिक है मेरे सुल्तान? नहीं, एक और भी है। तुम उनके बारे में तहसीन पाशा से मालूमात हासिल कर सकते हो। तफ्तीश करो। हमारा असल मकसद ये मालूम करना है कि उसने ये काम आखिर किसके कहने पर किया है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अगर अब्दुल हमीद और विलहम एक हो गए तो सारे मसले हल कर लेंगे और हम फिर हार जाएंगे। व्लादिमीर, अब्दुल हमीद से विलहम को किसी सूरत हम मिलने नहीं देंगे। लेकिन ये होगा कैसे? अगर अब्दुल हमीद विलहम को पाए तख्त लाने में कामयाब हो भी जाता है तो भी जर्मनों और उस्मानियों के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक खराब हो जाएंगे कि दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकेंगे। क्या तुम ये कर पाओगे? करूंगा। मोहतरम सुल्तान, वही हुआ जिसका डर था। बदकिस्मती से काइजर विलहम पाया तख्त तशरीफ नहीं ला रहे और यह हमारे सिपाहियों को गिरफ्तार करने का नतीजा है। देखिए सफीर साहब, हमें जानिए ताकि इस तरह के मसाइल का सामना करने पर आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए। हम तुर्कों के हाथ तलवार चलाने में बहुत महारत रखते हैं, मगर यही हाथ अपने दोस्तों के जख्मों पर मरहम भी रखने में माहिर है। हम जिससे एक बार दोस्ती कर लें तो मरते दम तक उस दोस्ती को निभाते हैं। खेत में काम करने वाला हमारा किसान भी दरांती को हथियार की तरह पकड़ता है। खातून की आटा छानने वाली छलनी भी उसके लिए हथियार होती है। बैठे हुए भी हम तुर्क लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जंगी घोड़े पर सवार हों। मरना भी जानते हैं हम लोग, नामूस की खातिर, सरजमीन की खातिर, परचम की खातिर, अपने मजहब और अपने अख्तार की खातिर। अच्छी तरह जान ले हमें, हम ऐसे ही हैं, दुश्मन के लिए दुश्मन और दोस्तों के लिए दोस्त। मगर आपने हमारे सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोल्तवा में रूसियों के साथ लड़कर शिकस्त खाने वाले स्वीडन के शहंशाह चार्ल्स तुर्कों के पास यरगमाल बन गए। उन्होंने क्या कहा तुर्कों के बारे में? नहीं मालूम। पोल्तवा में मुझे रूसियों का असीर बनाया जा रहा था। मौत यकीनी थी मेरी, मैं बच गया। दरिया पूरी रवानी के साथ मेरे सामने था, सामने दरिया और पीछे दुश्मन, हर तरफ से मौत मेरे ताकुब में थी। पानी डुबोना चाहता था मुझे, दुश्मन मेरी जान के दर पे था, सूरज मुझे पिघलाना चाहता था। मैं फिर भी बच गया, लेकिन आज मैं तुर्कों का कैदी हूं। उन्होंने मेरे साथ वो किया जो पानी लोहा और आग भी ना कर सके। असीर कर लिया मुझे, लेकिन मेरे पांव में जंजीर नहीं थी, किसी हवालात में नहीं था। मैं जो भी चाहता वो कर सकता था, कोई कैद नहीं थी। मेहरबानी का, शराफत का असीर था। काश आपको मालूम होता कि तुर्कों के साथ रहना जिंदगी के हर लम्हे को कितना खुशगवार बना देता है। ये बहुत वफादार हैं। तुर्कों ने हमसे कभी खयानत नहीं की, लेकिन अपने मुकद्दर हम पर भरोसा करके हवाले कर दिया हमारे। आपके असीर सिपाही भी किसी तकलीफ में नहीं है। मैं ये जानता हूं कि आप कितने मेहरबान हैं, लेकिन इस मामले में आपकी हसासियत मैं काइजर विलहम पर कैसे वाजह करूं? माजरत के विलहम पाया तख्त नहीं आएंगे। उनका इरादा यरूशलम जाने का है, ज्यारत करके वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। वो नहीं जा सकते।
कुद्स की कुंजी हमारे पास है। ये वो कुंजी है जो कभी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु के पास थी, फिर सुल्तान सलीम की तहवील में, और अब यह हमारे पास है। हम इसके मुहाफिज हैं, कुद्स के खादिम हैं, हाकिम भी हम ही हैं। आपका शहंशाह हमारी इजाजत के बगैर कुद्स की सरजमीन पर कदम भी नहीं रख सकता। जाकर अपने शहंशाह को यह बात बता दें आप। मैं आपका ये पैगाम पहुंचा दूंगा। मुझे यकीन है कि आप कायजर विलहम के सच्चे दोस्त हैं, मोहतरम सुल्तान। काश के मैं कुछ कर सकता। आप एक सच्चे और आदिल इंसान हैं। मेरे सुल्तान, काश इस आदमी की तरह हर कोई आपकी कदर समझ पाए। कतर बेबस इंसान हूं कि मर भी नहीं सकता। कोई मेरी तकलीफ समझ नहीं सकता। अब वो शादीशुदा है। खदीजा को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहां आए थे। आप उन्हें नहीं बताएंगे। उन्हें खुश रहने की कोशिश करने दीजिए। या अल्लाह, कोई मौजज़ा दिखा दे। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अगर आप जिंदगी भर नाइमे को मायूस करेंगे तो उससे बेहतर कि आप यहां से कहीं दूर चले जाएं। हम सिर्फ दिल की आवाज सुनना पसंद करते हैं और हमारा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं कमालुद्दीन। यकीन कीजिए, नहीं रह सकते आपके बगैर। हम शादी में सुर्ख रंग का लिबास पहनेंगे और आप हम पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकेंगे। सुर्ख लिबास की कोई जरूरत नहीं है सुल्ताना। मैं आपसे निगाहें वैसे भी नहीं हटा पाता हूं। उन्हें खुश रहने की कोशिश करने दीजिए। अब वो शादीशुदा है, दुख्तर के लायक नहीं हो सकते। हम आपसे मोहब्बत करते हैं कमाल। हमें आपसे मोहब्बत है। फौरन चले जाइए यहाँ से। नहीं रह सकते आपके बगैर। क्या आप हमारे बगैर रह सकते हैं कमालुद्दीन? हमें फिक्र थी आपकी। क्या तुम इस मंसूबे के बारे में पूरा एतमाद हो? जी हां, क्योंकि उस नई फौज का सरबराह मैं बनूंगा। हम आप दोनों से कह रहे हैं कि होश में आ जाइए। ऐसे ख्वाब मत देखिए जिसकी ताबीर नामुमकिन है। ये कैसी आवाज थी?
हमारे अलावा भी कोई है यहाँ?